नमस्कार, मैं जो कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है पंचतंत्र की साधु और ठग। था एक शहर, थी एक जगह, था एक साधु जिससे करते थे सब प्यार और स्नेह। शायद प्यार और स्नेह के वजह से सब देते थे उसे भरपूर भरपूर उपहार। साधु क्या करता था ना कि वो सारे उपहारों को एक साथ रखता था और सबको सबको एक साथ लेकर बेच दिया करता था। इससे मिलती थी उसे ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी पैसे। उससे क्या होता था ना कि वो इस डर में पड़ जाता था कि उसके पैसे कहीं कोई चोरी तो ना कर ले। तो उसने इसका एक उपाय निकाला। उसने निकाला एक झोली जिसमें रखा उसने अपने सारे धन, और उसके बाद से वो धन वाला झोली वो हमेशा अपने साथ रखने लगा। उसके बाद क्या होना था, सबकी नजर पड़ी उस पर। था उसी गांव में एक ठग, और ठग की नजर तो पहले से ही उस पे थी, लेकिन साधु तो हमेशा वो झोली अपने पास रखता है ना। तो ठग ने एक उपाय निकाली, पहुंच गया वो एक रोज साधु के पास ये बोल के कि मुझे आपका छात्र बनना है। बात कुछ ऐसी है साधु जी कि मैं बचपन से अनाथ और अकेला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, और आपसे अच्छा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है। ये सुनकर साधु सोचा भला इसे मैं क्यों रखूं। तो फिर उसने कहा कि मैं आपके सारे काम कर दूंगा, मैं आपके बर्तन मांजूंगा, मैं आपका आपके घर धोऊंगा, मैं सब कुछ काम करूंगा। फिर साधु ने सोचा कि बिन पैसे के नौकर मिल रहा है, तो उसने उसे रख दिया। जैसे कि ठग ने कहा था ठीक वो वैसे ही करने लगा सारे काम। इस प्रकार जीत लिया उसने साधु का भरोसा। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि एक रोज जाना था साधु को पास के गांव, और रास्ते पर वो पहुंच ही रहा था कि दिखी उसे एक नदी। उसे लगा कि उसे वहां नहाना चाहिए, और वो वहां नहाने के लिए कूदने वाला ही था कि उसने अपना झोली निकाला और वहां कंबल के नीचे रखा, और आगे बाएं हर कहीं देखकर उसने अपने छात्र से कहा कि देख तू इसकी इसकी नजरानी में रखना, मैं आ रहा। और ज्यों ही उसने छलांग लगाई जो करना था उसने कर लिया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई चिकनी चुपड़ी बातों पे आकर किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे मुंह में राम और हाथ में छुरी रखने वाले आदमी हर कहीं घूमते हैं।